सो हेलो यार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके वीडियोस पर। यार आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 AI टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आपको ज़रूर यूज करना चाहिए अपने टाइम को बचाने के लिए, और अपना अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो यार इनको ज़रूर आप यूज करें। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो यार कैसी आपको लगी। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, जो हमारा फर्स्ट AI टूल है उस AI टूल का नाम है यार फ्लिकी। आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है यार। एंड क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद फ्लिकी यहाँ पे सर्च करके आपको जो पहला ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आप उसके साइट पर आ जाएंगे। यार यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं यार, टेक्स्ट के जरिए, टेक्स्ट के थ्रू आप यहाँ पे कोई भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे साइनअप के फ्री पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे साइनअप करेंगे तो मैंने यहाँ पे साइनअप कर लिया है। उसके लिए आप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है यार, आपको न्यू फाइल पर क्लिक करना है। न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर फाइल नेम को यहाँ पे जो भी इंटर करना, जो भी फाइल नेम आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड आपको ऑडियो क्लिक करना है, वीडियो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो चलिए मैं एक आपको ट्यूटोरियल शो करता हूँ। आप उस ट्यूटोरियल को देखकर आप सीख जाएंगे कैसे आपको क्रिएट करना है। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद फ्लिकी। सेलेक्ट फाइल्स ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैनल, क्लिक ऑन न्यू फाइल बटन, एंटर द नेम ऑफ द फाइल एंड सेलेक्ट इफ इट इज ऑडियो और वीडियो एंड हिट क्रिएट। This brings you to the script-based editor. Hit play on the section to see how it works. Click on the voice name to select a different voice. सो यार, जो हमारा सेकेंड जो AI टूल है उस AI टूल का नाम है यार साउंड्रा। साउंड्रा के जरिए आप कोई भी म्यूजिक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यार आपको इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप म्यूजिक क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही बस म्यूजिक क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ आपको जो म्यूजिक क्रिएट करेंगे वो भी रॉयल्टी फ्री आपको म्यूजिक मिलेगी। तो आपको क्या करना है, क्रिएट म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यार, आपको यहाँ पे लेंथ सेलेक्ट करना है, कितना लेंथ आपको चाहिए। तो आपको लेंथ आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ लेंथ सेलेक्ट कर लें। अगर आपको नॉर्मल चाहिए सिर्फ तो फास्ट एंड स्लो को यहाँ पे बंद कर दें, बस नॉर्मल पर रखें। और आपको मूड जो सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे मूड सेलेक्ट कर लीजिए। सैड मैंने यहाँ पे मूड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा AI है यहाँ पे हमारा म्यूजिक क्रिएट करेगा। सो अभी यार यहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा नेट स्लो तो थोड़ा सा अभी टाइम ले रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, चलिए यहाँ पे आ जाएगा, आप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार कि हमारा जो AI है वो यहाँ पे म्यूजिक क्रिएट कर दिया है। तो चलिए मैं कोई म्यूजिक यहाँ पे प्ले कर आपको दिखाता हूँ कि म्यूजिक कैसा है। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो यार साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप डाउनलोड भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप देख सकते हैं म्यूजिक यहाँ पे प्ले हो रहा है। सो यार हमारा जो थर्ड जो AI है यार उसका नाम है मिड जर्नी। यहाँ पर आपको यार फ्री में यूज करने के लिए आपको डिस्कॉर्ड पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा यार आपको कैसे, एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे अकाउंट बनाकर आप यहाँ पे AI मिड जर्नी पे आप यहाँ पे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको आर्ट क्रिएट करना हो तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे मैसेज में आपको क्या लिखना है यार, यहाँ पे स्लैश लिख कर आपको यहाँ पे इमेजिन एंड प्रॉम्प्ट का यूज कर आप यहाँ पे जो भी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपको अगर चाहिए, आपको जानना है कि कैसे करना है क्रिएट, तो आप यहाँ पे वीडियो में कमेंट कर बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इमेज। सो यार हमारा जो अगला AI है वो इस यहाँ पे AI का नाम है यार, आप देखा सकते हैं यहाँ पे। चलिए आपको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ChatGPT। आप इस बारे में जानते हैं ChatGPT के बारे में, तो यहाँ पे ChatGPT के थ्रू यार आप कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ChatGPT के थ्रू यहाँ पे पा सकते हैं। तो आप इसके बारे में जाने, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है। आपको साइट पर आना है और आपको यहाँ पे जो भी लिखना होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना है, और जो भी कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट आर द टिप्स टू ग्रो द यूट्यूब चैनल, व्हाट आर द टिप्स टू ग्रो यूट्यूब चैनल। और आपको यहाँ पे लिख कर मुझे यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से टिप्स हैं जो इसे आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो राइट करा है उसे स्टॉप करना है तो यार यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ये रुक जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पे रोक देता हूँ। सो यार जो हमारा जो अगला AI जो हमारा टूल है उस AI टूल का नाम है Tom AI। तो आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है Tom AI, इस पर आपको आना है। जो हमारा पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप किसी साइट पर आ जाएंगे। तो यार Tom AI के जरिए आपको यहाँ पे PPT बनाने में, ये Tom AI आपको PPT बनाने में यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है। आप अपने अट्रैक्टिव और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से आप अगर PPT बनाना चाहते हैं तो यार इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं PPT बनाने के लिए। तो आप इस वेबसाइट पर जरूर यूज करें। तो यार उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर ट्राई Tom दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइनअप करना है। अगर आपने PPT बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्रोम के जरिए साइनअप कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे साइनअप कर सकते हैं।
सो यार हमारा जो नेक्स्ट एआई टूल है उस एआई टूल का नाम यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ फायरफ्लाइज। यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर में आना है और आपको यहाँ पे फायरफ्लाइज आपको लिख कर सर्च करना है और फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके साइट पर आ जाएंगे यार। यहाँ पे क्या कर सकते हैं यार, फायरफ्लाइज के जरिए आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग नोट्स बनाना है तो आपको फायरफ्लाइज ट्राई करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और आप अपने यहाँ पे नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं।